मैं हूं दिव्या रानी और आप देख रहे हैं जीएन भारत। झारखंड के आदिवासी समुदाय के द्वारा पत्थलगड़ी की मांग को लेकर दूर दूर से कई गांव के आदिवासी समुदाय रांची पहुंचे। रांची पहुंचकर झारखंड के राज्यपाल द्रौपदी मुर्मू से मिलकर ज्ञापन सौंपा। देखिए जीएन भारत से राखी रक्षा की ये रिपोर्ट। नमस्कार, मैं हूँ राखी रक्षा, स्वागत है आपका जीएन भारत में। पत्थलगड़ी का मामला एक बार फिर से झारखंड में आग पकड़ रहा है। धीरे धीरे करके इस मुद्दे को लेकर लोग अपने समुदाय अपनी मांगों को रख रहे हैं। तो आइए जानने की कोशिश करते हैं कि पत्थलगड़ी को लेकर क्या कहना है, क्या आगे की क्या रणनीति है इसको लेकर। सबसे पहले बात करते हैं सर, बहुत बहुत स्वागत है जीएन भारत में। नाम बता दीजिए। धनेश्वर टोपो। सर, पत्थलगड़ी का मामला क्या है? यहाँ जो हम लोग पत्थलगड़ी ने ये शिलापेट है, भारत का राजपत्र है और संविधान का जो बंध है अनुच्छेद का उसी का है, शिलापट है, पत्थलगड़ी नहीं है। पत्थलगड़ी नहीं, शिलापट है। तो इसमें क्या है सर, इसमें क्या अंकित किया जाता है, क्या लिखा जाता है, इसमें क्या है? इसमें जो हम लोग का संविधान आदेश संख्या 229 के तहत जो पांचवा अनुसूची का जो क्षेत्र दिया गया है, भारत का राजपत्र है, जो अब्दुल कलाम राष्ट्रपति था उसके सिग्नेचर दिया गया है। भारत राज के भीतर झारखंड राज्य के भीतर जो संविधान आदेश संख्या 229 है उसमें झारखंड राज्य के भीतर करीब करीब 15 जिला है, उसमें से जुंडू नोटिफिकेशन के अनुसार 12 जिला पूर्ण रूप से अनुसूचित जिला है। उसमें शासन प्रशासन और नियंत्रण आदिवासियों के हाथ में है लेकिन धरातल पर नहीं हो पाया है, जिसके कारण से हम लोग वो जो अनुसूचित जिला है उसमें शासन प्रशासन और नियंत्रण आदिवासियों को हाथ में होने का और धरता पर हो, यह हम लोग काम कर रहे हैं। तो सर, कल राज्यपाल से आप लोगों ने मुलाकात की, तो सर वहाँ पे राज्यपाल ने क्या कहा इसको लेके? हम लोग राज्यपाल को टाना भगत कमेटी के द्वारा चिट्ठी दिया गया था, उसमें फर्स्ट मुद्दा था भारत का राजपत्र संविधान आदेश संख्या 229, जो संविधान आदेश संख्या 229 है जो 11 अप्रैल 2007 को दिया गया, उसमें पांचवा अनुसूची झारखंड राज्य के भीतर जो अनुसूचित जिला है करीब 15 जिला है पूर्ण रूप से 12 जिला है नोटिफिकेट के अनुसार उस पर वाला बहस हुई, और दूसरा था अनुच्छेद 19 के हिसाब से 1 से 6 तक है लेकिन अनुच्छेद 19 2 से 6 के उपबंध के अनुसार जहां विद्यमान विधि है वहां कोई सरकारी तंत्र कोई गैर आदिवासी रहन रहन बोल नहीं फिर सकते ना सर्विस कर सकते इसमें, और 200 अनुच्छेद 256 के तहत है जहां विद्यमान विधि है उसको सरकार का ओब्लिगेशन बनता है जो सुपर कोटी एग्जीक्यूटिव है विद्यमान विधि के अनुसार नियम कानून बनाकर यहाँ से पांचवा अनुसूची आदिवासियों को सौंप देने का है। तो सर, ये जो शेड्यूल्ड एरिया होता है सर, उसमें जो ग्राम सभा को जो अधिकार दिए गए हैं जिसके मतलब है कि वहाँ पे किए जाएंगे, तो सर ऐसा क्यों हो रहा है कि गवर्नमेंट का ज़्यादा इंटरफेरेंस हो रहा है, वहाँ पे ग्राम सभा को जो अधिकार दिए गए हैं उसका इम्प्लीमेंट क्यों नहीं हो पा रहा है? जिस तरह संविधान आदेश है अभी कोई भी आदेश का पालन नहीं किया जा रहा है, जब भी पालन करने की बात हो रही है टाल मटोल लोग कर रहे हैं, और इस पर अभी राज्यपाल महोदय अभी बताया कि अभी विधानसभा में बहस कराएंगे, कुछ एक्सपर्ट बुलाएंगे, एक बार डिबेट कराने के बाद हम लोग भी उत्साहित हैं। जानकारी अभी बहुत संविधान पर नहीं था तो वो अभी जानकारी लेने के बाद मैडम भी फैंसुई काफ़ी उत्साहित है लागू कराने के लिए। वो भी यानी राज्यपाल की ओर से आप लोग को पॉजिटिव मिला गया कि आप लोग की चीज़ों को ये रखा जाएगा विधानसभा में, बहस किया करवाया जाएगा इस पर। तो आपने देखा कि हमने अभी पढ़ा व्यवस्था के कोऑर्डिनेटर कुड़ुख नेशनल काउंसिल के सदस्यों से हमने बात की, जहाँ पे उन्होंने साफ तौर पे कहा कि कल जो राज्यपाल से मुलाकात हुई उन्हें पॉजिटिव रिस्पांस मिला है, कहा गया है कि विधानसभा में इनके मुद्दे को उठाया जाएगा, इस पे बहस की जाएगी और इनकी जो मांग है उसको पूरी की जाएगी। जीएन भारत से मैं हूँ राखी रक्षा, बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और जुड़े रहें जीएन भारत के साथ। धन्यवाद।